Good afternoon, and if you can hear my voice, give me a raised hand, all of you. Okay, Angad, kindly unmute yourself. Good afternoon, sir. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, but your voice is a bit on the lower side. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. Inder, kindly speak. Inder, I can't hear you. Good afternoon, sir. Yeah, now I can hear you. Fine. All right. So let's begin this class. In today's class, I'll be discussing some topics. Like, we have finished most of the topics. Students are still raising hands. Yes, Angad? Angad, you want to say something? You've raised hand? No, sir. All right. Just lower your hand, please. Thank you. So we'll be discussing some topics related to your lab part B. Okay. First of all, just confirm that how many of you have not downloaded the data sets? How many in the sense, like, let's go group wise. I need this answer from you. Aap mein se jin bachchon ne lab part B ke liye data sets ko download nahi kiya hai, they should raise their hands. Nahi kiya hai, maine pucha, right? Jin bachchon ne data sets ko download nahi kiya hai, they should raise their hands. सबने कर लिया, वेरी गुड. यस, अनमोल ठाकुर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को. हां सर. हां जी, गुड आफ्टरनून अनमोल. कौन सा डेटा सेट आपने डाउनलोड किया है? आईपीएल. आईपीएल का किया है. ओके, कितने रिकॉर्ड्स है उसमें टोटल? सर 14,500. ओके, और आपके ग्रुप में कौन कौन है? अनमोल चावला है, और कौन है? अंशदीप अनुराग. अंशदीप और अनुराग, ठीक है. और उसमें कुछ क्वेरीज वगैरह भी बनानी शुरू की है अनमोल? हां जी सर, क्वेरीज लिखी हैं देवन पांच छह. मतलब पहले आपको क्वेरीज जनरेट करनी पड़ेगी, फिर उनके आंसर बनाने पड़ेंगे. चलिए, हां जी सर. गुड, वेरी गुड, ठीक है. गौरांग, यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून, कैसे हो गुरंग, ठीक हो आप? हाँ जी जी सर. आप, कुछ प्रॉब्लम थी ना आपको, आपने मैसेज किया था? यस सर. सर वो घर पे थोड़ी प्रॉब्लम. अब ठीक हो सर? मैं ठीक. घर में ठीक है सब? सर नहीं सर, वो पापा थोड़े से हैं. ओके, चलो, यू टेक केयर, ठीक है. और इस पे कुछ लैब पार्ट भी में कुछ काम शुरू किया आपने? डाउनलोड कर लिया डेटा सेट? सर नो सर, अभी नहीं किया सर, पर मैं कर लूंगा सर अभी. ओके चलिए, ठीक है, फाइन. तो आप लोग डेटा सेट डाउनलोड कीजिए. हर एक ग्रुप जो है आपस में, जस्ट कीप अ सिंक बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है. उसमें एक एक ग्रुप लीडर कुछ आपस में चूज कर लीजिए. इट्स नॉट डिफिकल्ट. हु कैन कोऑर्डिनेट द मीटिंग्स, ठीक है. सो आई वांट सम गुड वर्क फ्रॉम यू इन लैब पार्ट बी, ठीक है. आप लोग अच्छा काम कीजिए उसमें. जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे बताइए. लैब पार्ट बी में आपको एक, सिंस यू आर स्टडिंग बैकएंड आल्सो, आप लोग एसक्यूएल ओरेकल एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, सो यू शुड बी क्रिएटिंग सम इंटरफेस, यू नो, बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड. ओके, एक कनेक्टिविटी कुछ हम करेंगे. तो इन दैट रिगार्ड आई विल बी डिस्कसिंग द पाइथन कनेक्टिविटी विद ओरेकल. ओके, एंड इन टुडेज लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग द क्रूड ऑपरेशंस विद यू. ओके, CRUD stands for create, read, update and delete. Okay, उसमें insert भी कर लेंगे. तो let's begin with that and let's see that you can use it in your lab part B. Okay, but prior to that, if you have any difficulties or anything that you need to discuss of the topics that we have just discussed in this week or previous week,
यू कैन डिस्कस, यू कैन आस्क, अगर आपको लगता है कुछ, क्योंकि फ्रॉम माय साइड व्हाटएवर इज देयर इन द प्रिस्क्राइब्ड दिस थिंग आई हैव डिस्कस्ड दैट विद यू. आई विल कंडक्ट सम रिव्यू सेशंस आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1, 2, 3 and 4. ओके, बट राइट नाउ लेट्स डू समथिंग, यू नो, सम वर्क, समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू कैन लर्न. And then I would suggest to create a good interface. Connectivity I'm going to discuss with you. To create a good interface, you can use some graphical user interface. आप pkinter use कर सकते हैं, ठीक है? और pkinter में basic देख लीजिए जितना आप खुद कर सकते हैं. Instead of copying from internet, आप उतना ही content बनाइए lab part भी के लिए जो आप खुद कर सकें. ठीक है? I'm not expecting big applications from you कि आप कोई game बना रहे हैं. अगर कोई सिंपल गेम है तो बना भी सकते हैं, ठीक है? बट इट शुड बी अ फुल एफर्ट फ्रॉम योर साइड. ओके, आपकी तरफ से उसमें एफर्ट होनी चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए सारा, ठीक है? उस रिगार्ड में कुछ बच्चों से पूछ लेते हैं जो कुछ ज्यादा प्रोग्रामिंग में लगे रहते हैं. अंगद बताइए, आप क्या कर रहे हैं लैब पार्ट बी में? एक तो कुछ काम मैंने दिया हुआ है ना, उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? सर, लैब पार्ट बी के अलावा. अगर I can't hear you, you need to speak louder. Sir, lab part B के अलावा कह रहे हैं आप? नहीं, lab part B में मैंने आपको कुछ चीजें करने को बोली हैं. वो तो आप कर ही रहे हो, है ना? Data set analyze करना है, CSV files के बारे में लिखना है, matplotlib के बारे में शायद लिखना है, right? Yes sir. और तो आप अपनी तरफ से भी कुछ उसपे add कर रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ. I'm giving the freedom to all of you to add something in it as per your wish. But that something should not be like, you know, कि आपको बहुत किसी को impress करना है. It should be something which you have understood and yes, you should create that thing. आप ऐसा कुछ कीजिए, आपने कुछ सोचा है उसके बारे में? सर, मैं जो डेटा सेट जो एनालाइज कर रहा हूँ वो यूजिंग जुपिटर कर रहा हूँ और यूजिंग पांडास कर रहा हूँ. हाँ, ठीक है. Since CSV was mentioned in our syllabus, so I went with CSV. In my next lab session, I'll discuss pandas with you. ठीक है, उससे भी हम कर सकते हैं. सो पांडास नेक्स्ट, उस पे हम डिस्कस कर लेंगे. यस सर, बट आई थिंक ऑल दीस थिंग्स, ऑल दीस टॉपिक, बिकॉज़ पाइथन इज हैविंग अ वास्ट लाइब्रेरी ऑफ ऑल सच थिंग्स, तो आप उसमें से कुछ भी कर सकते हैं. लाइक ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, पहले पढ़ के उसको और फिर उसको अप्लाई करना, दैट शुड बी द आईडिया. यस सर, ठीक है अंदर. थैंक यू. ओके सर, आप बताइए इंदर. Sir, actually I am working on voice recognition or speech recognition. Sir, I am practicing on it by using different voice, methods. Voice recognition में आप different voice samples देके test कर रहे हो अपनी application? Yes, ना? Yes, sir. Is it working? Sir, some of them are working. Actually, I want to make at the end a chat box in my application. Chatbot is not difficult in Python. Yes, should not be difficult. But what is the idea? Every other person has made a chat box. It's available on net. Make something that is unique. ऐसा कुछ सोच के कीजिए, apply करके, ठीक है? Yes sir. चलिए गीतिका, आप बताइए बेटा. आपने कुछ, have you planned something? Good afternoon. Yes. Sir, I have not planned yet, but I will be doing something. ठीक है, आप इस वीक में प्लान कीजिए. लैब पार्ट बी पे जितना काम करेंगे, that is the thing that you carry forward. बाकी तो हमने पढ़ के एग्जाम दे देना है, that's it. The application part is very important, so you should work on that. Yes, okay. Anisha. Good afternoon, sir. It's good afternoon. Have you decided something? The lab part B में आपने कुछ additional क्या करना है? Yes sir, the queries for the data set, I'll be using the pandas library and we also had a meeting that we would do speech to text recognition in the user interface. Okay, that should be good. That should be good. You should try that. Good. Yes, Manpreet, 188. सर, एक्चुअली जो हमने C++ में जो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था C++ से, सर उसको पाइथन में कन्वर्ट करके एंड उसको T-Kent से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देना है, तो एक ग्राफिकल बना देना है उसको.
अच्छा ठीक है, इंटर में आप काम करेंगे? यस सर। ओके 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 ठीक है, दैट्स वेरी गुड। आई थिंक द रेस्ट ऑफ यू आल्सो शुड वर्क ऑन समथिंग समथिंग एक्स्ट्रा यू सी इन सर। उसमें वो भी रख लेंगे, जैसे जो उसको क्लिक करके वो प्रिंट हो जाएगा प्रिंटर के साथ, उसको वो भी कोट रख देंगे सर। So that's good. I'll be happy to see all such things by different groups. I'll spend some good time with you on your lab part B. ठीक है, देखूंगा आपने कितनी effort किसने किसने लगाई है. That's good. So चलिए let's start today's session. Today I'll be discussing the Python Oracle connectivity with you. So how many of you have are right now on laptops, and how many of you have Python as well as SQL available? Raise your hands. जो अभी लैपटॉप पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और जिनके पास पाइथन और ओरेकल एसक्यूएल दोनों अवेलेबल है, 65 स्टूडेंट्स हैं टोटल, एंड हाउ मेनी हैव रेज्ड हैंड? 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 ओके। तो आप जब लैब पार्ट भी मेरे को दिखाएंगे, वाइवा देंगे, तब तो आपको ये लैपटॉप चाहिए होगा, तब मैं आपकी बातें सुन के थोड़ा आपको नंबर दूंगा। अब अपना लैपटॉप रेडी कर लीजिए अभी, अगर लैपटॉप नहीं चलेंगे तो वाइवा फिर पेंडिंग रह जाएगा एक्सटर्नल वाला, ठीक है? इसका ध्यान रखिए आप लोग सब। मेक योर लैपटॉप्स रेडी विद एसक्यूएल एज वेल एज ओरेकल रनिंग ऑन इट, ठीक है? चलिए आई विल गो स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डू दिस ओरेकल पाइथन कनेक्टिविटी। सो अगर आपको लगता है कि आप इसको यूज करना चाहते हैं तो यू शुड फॉलो दिस टूडेज लेक्चर। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियोज ऑन माई चैनल? रेज योर हैंड्स। आई हैव आस्क्ड नॉट वॉचिंग, जो मेरे वीडियोज चैनल जो है मेरा उस पर सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन देख नहीं रहे हैं, ऑनेस्टली रेज योर हैंड्स। जो बिजी हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता वीडियो देखने का, सभी आप लोग अगर सब वीडियो देखेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा, बिकॉज वो वीडियो पे जो कितने लोगों ने देखा है, व्यूज जो है बढ़ जाएंगे, बट इट्स नॉट द केस, यू आर नॉट वॉचिंग दोज वीडियोज। सो माई रिक्वेस्ट टू यू, आप लोगों वीडियोज देखिए, दे आर बेनिफिशियल, वो आपके लिए ही बनाए गए हैं, आपकी क्लास के ही वीडियोज हैं। थ्योरी और लैब दोनों देखिए, दे शुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? चलिए लेट्स ओपन अ पाइथन सेशन। आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं इफ यू थिंक दैट इट इज यूजफुल फॉर यू, ओके? अदरवाइज इसको वीडियो को मैंने डाल तो देना ही है। अभी आप साथ में अगर नोट करके लिख लेंगे तो थोड़ा सा काम अच्छा हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इज, ओके लेट मी आस्क, लाइक सम ऑफ यू आर वेरी एंथुजियास्टिक, आप लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं मेरे को लगता है, तो लेट्स सी हाउ कैन वी कनेक्ट पाइथन विद ओरेकल। आपकी ओरेकल की भी थोड़ी सी रिविजन हो जाएगी बेसिक ऑपरेशन की। सो रेज योर हैंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, what is the methodology to connect Python with Oracle? You can connect Python with many other databases also, but since you are studying Oracle, so we'll be focusing on Python Oracle connectivity. Okay, Anmol, aap bataiye beta. Anmol chale gaye. Okay, Prachi is also raised. Yes, Prachi. Sir, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून प्राची। हाँ जी बेटा बोलिए। सर फर्स्ट वी इंस्टॉल पिप इंस्टॉल cx_oracle फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। ओके ठीक है, सो वी नीड टू इंस्टॉल अ मॉड्यूल नेम्ड एज cx_oracle। देखिए जब ओरेकल से करना है तो ये वाला जो मॉड्यूल है ये अवेलेबल है पाइथन में, अगर किसी और डेटाबेस से करेंगे तो उसके रिलेटेड कोई और मॉड्यूल होगा जो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। फाइन, उसके बाद क्या करना है प्राची? सर इंपोर्ट करते हैं। देखिए मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, आई विल बी डूइंग व्हाटएवर यू आर सजेस्टिंग। सो हम ये कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ pip install cx_oracle, ठीक है प्राची? देखिए इसमें ओ कैपिटल लिखना है, ठीक है? मॉड्यूल का नाम जब यूज भी करना है तो ऐसे लिखना है, ठीक है? इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन माय सिस्टम, इट विल से दैट रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इट विल से समथिंग लाइक दैट। आप लोग करेंगे, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? सो रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, दैट मींस cx_oracle इज अवेलेबल। कैसे पता चलेगा? जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे,
सो अगर इट इज देयर तो वो इम्पोर्ट हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू प्राची, गुड आंसर. ये संगत आप बताइए क्या करना है आगे. सर हम सीएक्स ओरेकल से एक मेथड इंपोर्ट करेंगे कॉल्ड कनेक्ट, और इसमें कीवर्ड आर्गुमेंट्स. अच्छा, जो भी. अच्छा, उसमें आर्गुमेंट्स. तो पहला स्टेप क्या होता है, आप लोग सब नोट भी कर सकते हैं, यू कैन राइट डाउन इफ यू विश. द फर्स्ट स्टेप इज टू इंस्टॉल दिस मॉड्यूल cx_oracle. द सेकेंड स्टेप इज टू मेक अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट. हमें कनेक्ट करना है अपने बैकएंड से, जो कि ओरेकल है इस केस में. सो वी मेक अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट. ओके, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जो कॉमन नेम चलता है वो कौन चलता है कनेक्शन के लिए. ठीक है, सो वी कैन राइट कॉन इज इक्वल टू इस मॉड्यूल का नाम लिख के. इसका एक कनेक्ट मेथड होता है. ठीक है, इसका एक कनेक्ट मेथड होता है. कनेक्ट होता है ना अंगद, मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ? यस सर, कनेक्ट होता है. कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट मेथड है. ठीक है, अब ये जो मेथड है इसको हमने आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है. सो यू कैन पास द यूजर नेम एंड द पासवर्ड टू विच यू वॉन्ट टू कनेक्ट. ठीक है, स्कॉट / टाइगर. सो मैंने यहाँ यूजर नेम पासवर्ड दे दिया कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू दिस ओरेकल यूजर. सी आई एम यूजिंग ओरेकल वर्जन 11G ऑन दिस लैपटॉप. ऑन माई अदर लैपटॉप आई एम यूजिंग 18C. 11G onwards, this is the only syntax which is required to connect to your backend Oracle. ठीक है, but if we talk of prior to 11G, 11G के पहले जो Oracle के हैं उसके साथ आपको यहाँ पर साथ में होस्ट नेम भी देना पड़ता है. समथिंग लाइक @ होस्ट नेम और पोर्ट नेम जिससे आपने कनेक्ट करना. सो आप वो चेक कर लीजिए कि आपने जब Oracle अपनी इंस्टॉल की है, अगर तो 11G या उसके बाद वाली है तो इतना ही चल जाएगा. लाइक 11G एंड लेटर इज ओनली दिस syntax. ठीक है, लेकिन अगर आपने 11G से पहले वाली ओरेकल की है, 9 की है, या मोस्टली बच्चों ने 10 की होती है, 10, तो आप उसमें साथ में यहां पर आपको एडिशनल आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी जो आप जिस होस्ट पे आपने ओरेकल इंस्टॉल की है. ठीक है, और उसको आपको ऐसे कुछ लिखना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरह से अपनी कॉन्फ़िगरेशन की है या जिस पोर्ट पे की है, समथिंग लाइक दिस. ये आपको अपने सिस्टम पे ट्राई करके देखना पड़ेगा, बट 11G एंड लेटर वर्क्स फाइन विद दिस. ठीक है, ओके, चलिए मनप्रीत आगे बताइए क्या करना है. ठीक है अंगद, थैंक यू. यस मनप्रीत बताइए. सर आगे हम कोई क्वेरी चला सकते हैं. सॉरी सर, सबसे पहले तो कर्सर बनाएंगे इसका. हाँ, क्वेरी नहीं, पहले हमें कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. लाइक यू हैव स्टडीड कर्सर्स इन ओरेकल. ठीक है, तो हमें कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. ठीक है, अनमोल आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं. आई विल कॉल यू अनमोल चावला. यस बोलिए सर. आई वाज सेइंग द सेम थिंग, वी हैव टू मेक अ कर्सर. कर्सर ऑब्जेक्ट तो क्या करता है कर्सर अनमोल? व्हाट इज द सर? बिकॉज़ देखिए हम सिंटैक्स तो लिख ही लेते हैं. यस, बट हमें पता होना चाहिए भी हम कौन सी चीज किसके लिए यूज कर रहे हैं. व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस? सर कर्सर विल फेच द रोस फ्रॉम द डेटाबेस. ओके, तो सिर्फ रोज के लिए ही होता है. अगर मुझे एक मुझे बात बताइए, अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करना है उसके लिए कर्सर मुझे हेल्प नहीं करेगा सर? मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूँ सर? मे बी. देखिए आज के सेशन में हम स्लोली डिस्कस करेंगे ताकि आपको बिल्कुल कभी इतना सिंपल इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको हमें देखने की जरूरत ही ना पड़े, हम इसको अपने आप जब चाहे लिख सकें. सो यू टेल मी That cursor जो आप बोल रहे हैं, is it only required कि जब rows को handle करना है कि हम कुछ create table भी कर सकते हैं, drop table भी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं ये DDL commands भी? Like we have two types of commands involved. One are DDL commands, one are DML commands. Sir, we can. I hope you know the distinction yes, sir. Between. Sir, we can do DDL. I know. DML I haven't tried. कर सकते हैं? Yes, sir, we can insert. DML तो पढ़ी है आपने? क्यों DML क्यों नहीं पढ़ी आपने? आपने DML से तो शुरू किया रोज से. DML is insert, delete, update. Yes, sir, yes. DML जो होती है ना, data manipulation language, yes, वो होती है insert, delete, update. ये DML statements हैं. और जितनी भी आपकी create वाली हैं, वो DDL हैं. Alter वाली हैं, वो DDL. ठीक है, तो ये cursor के साथ हम सारी चला सकते हैं. ठीक है? Yes, sir. Understood? चलिए अब एक गुड आंसर अनमोल, गुड, थैंक यू. बताइए कर्सर कैसे बनाऊं? नाम CUR ले लूं? हाँ, यस सर.
चलिए कर्सर सी यू आर ले लिया इक्वल टू सर हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट लेंगे डॉट कर्सर मेथड यूज करेंगे. वेरी गुड. सो कौन जो हमने कनेक्शन बनाया उसके साथ कर्सर. दैट्स इट. कोई आर्गुमेंट तो नहीं पास करनी. नो सर नहीं कर रही. ठीक है. सो ये कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया है. नाउ दिस कैन गो एंड वर्क विद द स्पॉट टाइगर यूजर. उसके अंदर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी कर सकता है. ये डीडीएल स्टेटमेंट्स डीएमएल स्टेटमेंट सब कुछ कर सकता है. चलिए अनमोल थैंक यू. नाउ रेज हैंड्स व्हाट टू डू फर्दर. मैं आपको ये प्रिंट करके बताता हूँ कि हम ओरेकल के कौन से वर्जन से कनेक्टेड है. आई कैन जस्ट राइट कॉन सॉरी आई कैन जस्ट राइट कॉन डॉट वर्जन. ठीक है. सो आई एम कनेक्टेड टू ओरेकल वर्जन 11.2.0.2.0. अच्छा जिन्होंने आंसर कर दिया है दे वोंट रेज हैंड्स. नाउ उसके आगे क्या करना है. पर ये चार पांच बच्चों को ही पता है. ओके ठीक है. अभिषेक पोडार वेरी गुड. यस अभिषेक. अभिषेक हमने कर्सर ऑब्जेक्ट भी बना लिया है. अब क्या करें सर. अब कर्सर की मदद से हम सर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट मेथड को यूज करेंगे और उसमें अपनी एसक्यूएल क्वेरी पास करेंगे. पास करेंगे. वेरी गुड आंसर अभिषेक. ठीक है तो कर लेते हैं फिर वो. बताइए क्या करें. ये लीजिए मैंने लिख दिया कर डॉट एग्जीक्यूट. यस सर. सर यहां एक टेबल क्रिएट कर ले. जैसे यस सर. यस यस सर कर ले. एक टेबल क्रिएट कर ले. चलो बताओ मैं को एक टेबल क्रिएट करना है. आप लोग लिख लीजिए सब. एक टेबल क्रिएट करते हैं. यस स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं. ठीक है नाम उसका स्टू रख लेते हैं. यस सर. यस आप लोग सब नोट कर लीजिए बिकॉज़ आपको मेरे को बताना पड़ेगा क्योंकि आपको एसक्यूएल तो आती है ना सबको. इफ ऑल ऑफ यू नो एसक्यूएल यू कैन रेज योर हैंड्स प्लीज. अगर आपको एसक्यूएल बेसिक आती है तो दैट्स गुड. बट हाँ यस 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 ऑल ऑफ यू आर रेजिंग हैंड्स. आपको एसक्यूएल आती है. दैट्स वेरी गुड. तो चलिए एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखेंगे स्टू और उसके अंदर रखेंगे रोल नंबर एक लेंगे कॉलम और एक नेम ले लेते हैं और एक चलिए रोल नंबर और नेम ही लेते हैं. छोटा टेबल बनाते हैं. ठीक है तो बताइए फिर अभिषेक आप अभी अनम्यूटेड हैं. हाँ जी क्या लिखूं यहाँ सर. क्रिएट टेबल. ठीक है जी क्रिएट टेबल. मैं आपको आई एम गोइंग एट अ स्पीड. अभिषेक जस्ट अ सेकेंड. मैं स्लो जा रहा हूँ ताकि आपका ये जो पोर्शन है ये बेसिक स्टार्ट हो जाए. अगर आपको कनेक्टिविटी आ गई ठीक है तो आप टीके इंटर से इंटरफेस बना के बहुत अच्छे से एक छोटी सी एप्लीकेशन खुद ही बना सकते हैं. ठीक है सी एस पी मॉड्यूल एनालिसिस तो आप कर ही लेंगे मेरे को पता है. ठीक है कल बनाई थी सर. चलिए क्रिएट टेबल स्टू. वेरी गुड क्रिएट टेबल स्टू. हाँ जी यस सर. देन ब्रैकेट स्टार्ट. ठीक है देन सर कॉलम नेम. ये लिख ले. मुझे भी एसक्यूएल ज्यादा आती नहीं है. आगे क्या लिखना है. नेम ले ले. यस सर नेम. देन वेरकर. ये ले ले वेरकर 2 चलेगा. यस सर चल जाएगा. लेट्स होप चल पड़े. कई बार चलता नहीं है. बस क्वेरी बंद कर दे. यस सर. कुछ और रहता तो नहीं. नो सर नो. ऐसा हो गया चल जाएगा ये. सर एक बार वो पैरेंथेसिस क्लोज कर दो सर वो क्रिएट टेबल की स्टू वाली. अच्छा वो इधर होनी है. मैंने तो आगे कर दी. अब ठीक है. यस सर. एग्जीक्यूट की कहां है. एग्जीक्यूट की भी सर कर दो. नहीं ये क्रिएट टेबल की तो ब्रैकेट है ही कोई नहीं. ऐसे था. नहीं सर ये तो अब ऐसे करूं कैसे करूं बताइए मुझे. सर ये तो वेर केयर की है ना. वेर केयर 20 की ब्रैकेट ओपन क्लोज है ना सर. इसकी भी तो करनी पड़ेगी ना जो स्टू के आगे है. अच्छा अच्छा वेरी गुड. अब ठीक है मुझे देख लो बता दो यार ये ठीक है. एवरीथिंग गिव मी अ रेज हैंड टू टेल. हां एक और ब्रैकेट एक और एग्जीक्यूट मेथड की एक और ब्रैकेट. अच्छा एग्जीक्यूट की भी आनी है. ओके चलिए अब कंप्लीट. ठीक हो गया. यस सर अब कंप्लीट. वेरी गुड. चलो देखे ये चला दिया हमने. टेबल बन गया. यस और नो बताइए सर. बन देखो इसको आज के सेशन को इंटरेस्टिंग रखते हैं. बिल्कुल स्लो चलते हैं. टेबल बन गया. मैसेज तो कोई आया नहीं. अंगद बता रहे हैं. सर हमने कुछ प्रिंट नहीं करा सर. नहीं आप मेरी बात नहीं समझे. नो 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 यू नॉट अंडरस्टूड. मैं कह रहा हूँ कि जब टेबल क्रिएट हुआ इंडिकेशन नहीं है. ऐसा प्रॉम्प्ट आ गया दैट मींस एवरीथिंग इज गुड. मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसे ही है ना. ठीक है अंगद बताएंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं है. अंगद ये संगत सर हमने कमिट नहीं किया तो वो चेंजेस नहीं होंगे. वेरी सर वो तो
Let's hear from, देखो हमें सबकी बात सुननी है, so अनमोल चावला से भी पूछ लेते हैं. Yes, अनमोल. Sir, we have to... बाकी सब लोग ध्यान से सुने, सबने ये काम करना है, ठीक है? Sir, आज आपको Python connectivity समझ आ जाएगी वाले कल से. हाँ जी अनमोल. Sir, we have to close the cursor. Cursor close करना. Cursor close करना पड़ेगा और connection को भी close करना पड़ेगा. अच्छा. All right. क्योंकि हम वो prompt पे लिख रहे हैं तो इतना ध्यान नहीं हम दे रहे. That means the question is कि जो हमने cursor object बनाया है, अगर वो, इसीलिए मैंने आपसे अभिषेक पूछा था कि टेबल बन गया कि नहीं, यहाँ कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है? लेकिन आप क्या सोचते हो, टेबल बन गया है, यस और नो, ये बताइए. सर टेबल तो बन गया होगा पर हमको कमिट भी करना पड़ेगा. इस पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वो डेटाबेस को आपको एसक्यूएल के फंडामेंटल्स भी ठीक कर देगा आज मैं, ठीक है? अंगद आप बताइए. अच्छा अंगद ने तो बता दिया, और किसी ने भी हाथ खड़ा किया था? मनप्रीत आप भी हैंड रेस कीजिए, आज हमारे पास टाइम है तो आराम से. मनप्रीत 188 आपने भी कुछ कहना था, बोलिए. वही बोलना था कि कौन को कमिट करना पड़ेगा, फिर जो कनेक्शन है उसमें चेंजेस सेव हो जाएंगे एंड जब हम एसक्यूएल में जाके ओपन करेंगे तो वहां पे टेबल आते हैं. ठीक है, ठीक है. चलिए मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिए आप सब जिन्होंने आंसर किया है ना, वो ध्यान से देखिए. पहले मैं लिख रहा हूँ कर डॉट क्लोज, ठीक है जी, ये लिखना पड़ेगा. फिर मैं लिखूंगा कॉन डॉट क्लोज, ठीक है? अब आपका आंसर है कि टेबल नहीं बना, यही कह रहे हैं ना आप लोग सब, अनमोल भी, अभिषेक भी, मनप्रीत भी और अंगद भी, ठीक है? देख लेते हैं टेबल बना कि नहीं बना, देख लेते हैं. एसक्यूएल खोल लेते हैं, ठीक है? कनेक्ट कर लेते हैं. कनेक्ट करना आपको आता ही है, ये मैंने स्कॉट टाइगर से कर लिया. अभी क्या कमांड लिखूं मैं, बताइए जिन जो बच्चे अनम्यूटेड अभिषेक. अच्छा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, इसका क्या मतलब होता है, क्या दिखाता है ये? टैब एक सिनोनिम है, इसके इनबिल्ट है, वो उसमें टेबल सारे के नाम और डाटा है. टैब क्या है, दोबारा बोलिए. एक टेबल है उसके अंदर सभी टेबल्स होते हैं. अच्छा एक टेबल है उसके अंदर सभी टेबल है. नहीं सर उसमें टेबल और भी कोई बता दीजिए. सर उसमें सारे टेबल्स के नेम होते हैं. टैब क्या है मुझे बताइए, टैब क्या है? सर टैब एक टेबल नहीं है. देयर इज नो 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 सर सिनोनिम, देयर इज समथिंग नोन एज सिनोनिम. क्या है सिनोनिम? क्या होता है हमारे पास एक ना डेटा डिक्शनरीज होती है, ठीक है? तो टैब के साथ हमें टेबल्स और व्यूज दोनों नजर आते हैं. इफ वी वांट टू डिस्प्ले ऑल द टेबल्स एंड ऑल द व्यूज इन आवर अकाउंट, तो हम सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टैब लिख लेते हैं. तो स्टू आया कि नहीं, आप फाइनल बता दीजिए. अभिषेक, मनप्रीत, अनमोल, आ गया हुआ, मुझे भी लगता है आ गया. तो आपका कमिट कहाँ गया भाई? ये आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि ये हम जब एसक्यूएल पढ़नी शुरू करते हैं ये सबसे पहला पॉइंट होता है जो आपने सबने गलत बोला है. All of you have mentioned a thing which is wrong. सर कमिट तब हम यूज करते हैं जैसे कोई डिलीट रो करना हो या कोई वैल्यू अपडेट करनी हो. ओके तब यूज करते हैं. ठीक है, वो कैसे पता चलता है कि कहां करना है और कहां? सर डीएमएल कमांड में, डीएमएल कमांड सर, डीएम. तो आप भूल कैसे गए हैं कि डीएमएल कमांड्स जो होते हैं दे आर नॉट यू नो इम्प्लिसिटली कमिटेड, लेकिन जो डीडीएल कमांड्स होते हैं दे आर इम्प्लिसिटली कमिटेड. समझे? इम्प्लिसिट मतलब आपने चाहे लिखा नहीं लिखा, जैसे ही कमांड चला डीडीएल कमांड, वो उसी टाइम सर्वर पे उसके चेंजेस जो हैं वो आ जाते हैं. ठीक है? सो डीडीएल कमांड्स में हमारे कौन से कमांड्स आते हैं? जितने भी क्रिएट कमांड्स हैं, जितने भी ऑल्टर कमांड्स हैं, जितनी भी ग्रांट और रिवोक कमांड है. ठीक है? ग्रांट रिवोक भी उसी में आते हैं. गॉट इट? चलिए ये तो अच्छा बता दिया आपने. और इस टेबल को डिस्क्राइब करके देख लें जो हमने लिखा है वो आया कि नहीं. वही आ गया, रोल नंबर टाइप है और नेम वेयर का 220 है. फर्स्ट स्टेप डन. ठीक है, चलिए अपने सब म्यूट कर लीजिए अपने आपको. थैंक यू. चलिए अब वापस चले पाइथन में, एक प्रोग्राम लिखते हैं. ठीक है, इसमें फॉर्मुलेट कर देते हैं इसको. लेट्स ट्राई, यहीं से कॉपी कर लें, बहुत टाइम लग जाएगा. नहीं तो थोड़ा सा डिलीशन कर लेंगे और क्या.
चलिए आपने एक, इसका मतलब वी हैव लर्नड वन डीडीएल कमांड। हम एक काम करते हैं कि ये भी लिख देते हैं, आप जो कह रहे हैं उसको क्लोज करने से पहले कमिट भी लिख देते हैं। कमिट लिखे तो भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। एक नया टेबल बना के देख लेते हैं, से क्रिएट टेबल स्टू वन बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम कमिट लिखते भी हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। कमिट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, बट कैन बी रिटन। अब लिख दीजिए, कोई बात नहीं, उसका इफेक्ट कुछ नहीं है, बट कैन बी रिटन। तो इसको हम लिखते हैं अपना प्रोग्राम से CONNECT कनेक्ट वन लिख लेते हैं इसको। तो हमने CX Oracle को इंपोर्ट नहीं किया है, सो उसको कर लेते हैं टॉप स्टेटमेंट, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं चलता। सो लेट्स राइट हेयर CX _ Oracle, ठीक है जी, फाइन, ठीक है। अगर हम बैकएंड में जाते हैं और इसको फिर से चलाते हैं, तो वी कैन सी दैट 2-1 इज आल्सो क्रिएटेड। सो वी लर्नड वन डिस्टिंक्शन दैट वेदर वी राइट कमिट और नॉट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आर डीडीएल स्टेटमेंट्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर डीएमएल स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप अब डिस्कस करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर लिस्निंग, जिनको पहले नहीं भी पता वो भी उनको इतना पार्ट अगर समझ में आ गया है दैट हाउ टू कनेक्ट नंबर वन, ठीक है। How to connect means you require the CX _ Oracle module. Once you have that, then you can use its connect method to connect. And cursor object is required so that you can do some queries, you can execute some queries. Okay? If you want to see the version of Oracle, then with the connection object, you can use version variable. Okay? Or once the task of the cursor is done, you can close it. And if you are using a DML statement, then con.commit is a must. Otherwise, changes won't be saved to the backend. Okay? But for DDL statements, okay, it is not required. So I'll write here, is not required for DDL statements. Okay? But can be written, there's no error. Okay? Chaliye, next, insert discuss karte hain. Let's insert some values into it. Okay? Once again, raise hands, those who want to participate in the discussion. इसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लेंगे, कुछ फंडामेंटल सीख लेंगे फिर अच्छे से, ओके। अदर्स कैन आल्सो लाइक प्राची वाज देयर, इंदर इज देयर, अभिषेक पोडार, तमन्ना शर्मा इज देयर, प्राची यू कैन आल्सो रेज हैंड इफ यू हैव रीच्ड टू इंसर्ट और ओके फाइन फाइन। चलिए अब एक काम करते हैं, इसी प्रोग्राम में लिखते हैं कि इस टेबल में हम स्टू टेबल यूज कर लेंगे, ठीक है, उसको ड्रॉप कर देते हैं, बहुत सारे टेबल में हम स्पेस वेस्ट नहीं करेंगे। ड्रॉप टेबल, ये हो जाएगा ड्रॉप की नहीं बताइए। मैं आपको ना एक काम करता हूँ, सबको अनम्यूट कर देता हूँ, अब बारी बारी से अपने आप बोल दीजिए, ठीक है। सो आई हैव अनम्यूटेड ऑल ऑफ यू, ओके, यस, ये ड्रॉप हो जाएगा, यस और नो, तमन्ना कैन आंसर। तमन्ना शर्मा कैन आंसर दिस? हेलो सर, यस तमन्ना, प्लीज आंसर। डिलीट, देखो ये 2-1 टेबल है, इसको रिमूव करना है, इस स्टेटमेंट से हो जाएगा, यस और नो? नो सर। आपने किया कभी ड्रॉप टेबल? तो हो जाएगा इससे? सर यस सर, यस। अनमोल बताइए, यस हो जाएगा इससे? Yes. हो जाएगा, ठीक है, मुझे नहीं पता इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलिए मैं देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक हो गया ड्रॉप, ओके। तो अब इस टेबल में कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी है, सजेस्ट कीजिए कैसे करें, कोई भी कर सकता है, बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं ना, हम स्लो चल रहे हैं, हमने एक टेबल क्रिएट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, दैट यू नीड टू कनेक्ट। ये कनेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे एक लाइन में हमें लिख दिया है, If I talk of the time that I was studying, there used to be such long coding to get this connection between front end and back end. But now things have become so simple that you can just with one line, you know, you can just connect, because all the complexity has already been taken care by the designers of the language of Python, Oracle. They have made modules in which everything is done. You don't need to bother about them. You just connect and, you know, one line and you are connected to the back end and you can do anything. हाँ जी, मनप्रीत बोलिए, इंसर्ट कैसे करें? सबसे पहले
मनप्रीत यस सर, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट करवा लेते हैं रोल नंबर। अच्छा यूजर से इनपुट करवाए, चलिए मैं कहता हूँ पहले कांस्टेंट से चलते हैं, जैसे आप एक्चुअल में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। बताइए सर, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, नहीं कनेक्शन ऑब्जेक्ट इसी में ओपन ही रहने दें, एक नया प्रोग्राम लिख लेते हैं। ठीक, चलिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको सेव एज कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं कनेक्ट टू। ठीक है, और यहां पर अब क्या करें, इंसर्ट इनटू लिख दें। यस सर। आप लोग सब ध्यान से देखना, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करके प्रॉपर सिंटेक्स तक ले जाऊंगा जो हमने यूज करना होता है। इंसर्ट इनटू स्टू, अब ऐसे ही लिखते हैं वैल्यूज। यहां पर कॉलम्स के नाम तो नहीं लिखते हैं स्टू के बाद? नो सर, लिख भी सकते हैं अगर चाहें तो, है ना? यस लिख सकते हैं, बट क्योंकि दो ही हैं तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम लाइन वाइज देंगे वैल्यूज तो फिर कॉलम नाम की जरूरत नहीं है। अगर लाइन वाइज देंगे, अगर सीक्वेंस में देंगे, ठीक है, अगर हमें सीक्वेंस पता है, फाइन फाइन। यस, तो इंसर्ट इनटू स्टू वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू 101 लिख दें और अजय शर्मा लिख दें, ये चल जाएगा। ये यहाँ पर हो गया, डबल कोट्स बंद हो गए, और भी डबल कोट्स देने पड़ेंगे, क्या कहते हैं? सिंगल कोट में रख सर, सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट्स में हो जाएगी, सिंगल में होते हैं। मनप्रीत, जो आपने आंसर दिया है, मेरे को उसमें थोड़ा सा शक है, बिकॉज ओरेकल में हम लोग सिंगल कोट से कैर को डील करते हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक सो। Yes, है ना? Yes, sir. We can't write double quotes there, okay? Yes, sir. तो single quote ही लिखना पड़ेगा, yes, okay? तो with this we are saying कि stew table में 101 और अजय शर्मा values insert कर दो, 101 roll number में store हो जाएगा, we are writing 1-to-1 correspondence, ठीक है? Okay? Yes, और देख लीजिए, अब ठीक हो गया सब कुछ, brackets वगैरह all done? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर जो commit है that is mandatory, याद रखिए, ठीक है? ठीक है? Yes, sir. So commit is required for DML statements. ठीक है, ये हमेशा, इसके बिना आपका डेटा सेव नहीं होगा, commit नहीं होगा इसके बिना। ठीक है, देखिए सब ठीक है, रन कर दूं इसको कनेक्ट टू प्रोग्राम को। Yes, sir. All of you can see that if we need to insert values into our tables, this is the first way that you can do it. That is using constants, fixed values. Roll number के लिए 101 और इसके लिए अजय शर्मा। ठीक है, तो देखें अब होता है कि नहीं कुछ। कमिट के बिना लिखें, पहले कमिट के बिना लिखते हैं, देखिए कुछ एरर तो नहीं देता, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, नो मैसेज, दैट मींस योर प्रोग्राम इज करेक्ट। बट लेट्स गो टू बैक एंड एंड देखें, यहां पर पहले तो डिस्क्राइब कर लें स्टू को, ठीक है, और फिर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नथिंग, बिकॉज वी हैव नॉट कमिटेड, and commit is a must for your DML statements. Okay, so let's correct that. इसको यहाँ से run करते हैं, let's do it. Okay, let's come back to SQL, rerun this, so you can see the value has reached the table. Okay, remember in case of DML statements you require a explicit commit, otherwise data is not stored on the server or in the table, right? चलिए अब एक काम करते हैं, जैसे मनप्रीत ने सजेस्ट किया, पहले ये बताइए कि जितना हमने पढ़ लिया है, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं लैब सेशन में भी ये सब डिस्कस कर लूंगा। जस्ट गिव मी अ रेज्ड हैंड दैट यू अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट अ टेबल फर्स्ट, हाउ टू इंसर्ट वैल्यूज इनटू इट। आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आप भी लैब पार्ट बी में खुद काम कर सको। ओके, गुड, फाइन। अब क्या करते हैं, अच्छा ये भी नहीं चला कॉन डॉट वर्जन, देखा आपने, ये आइडियली में चल जाता है। इफ यू वांट टू मेक इट वर्क हेयर, सो यू नीड टू राइट लाइक दिस, यू नीड टू यूज अ प्रिंट स्टेटमेंट इन योर पाइथन कोड इफ यू आर राइटिंग इट इन अ फाइल। और अब इसमें क्या करते हैं सर, यूजर से इनपुट ले लेते हैं।
चलिए ठीक है, बताइए फिर इंदर ने बोला या किसने बोला? ये अभिषेक ने बोला। हाँ जी अभिषेक बोलिए, क्या लिखना बताइए। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दीज वैल्यूज द रोल नंबर एंड द नेम वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। ठीक है चलिए बताइए। सर पहले तो हमको एंटर करवाना पड़ेगा यूजर से, तो उसके लिए वेरिएबल सही होंगे। अच्छा ठीक है, हम आर ले लेते हैं और इसमें एंटर करवा लेते हैं। कौन सा फंक्शन यूज करूं? इनपुट के अलावा कोई और फंक्शन आता है आप लोगों को? ये सर मैप हो सकता है, मैप भी होता है। ये मनप्रीत आप सिखाना अगली क्लास में, ठीक है। एंटर रोल नंबर कर दें। यस सर, इसको टाइप कास्ट कर दो इनटू में रोल नंबर को। यस ऐसा क्यों सर? वैसे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में जाएगा तो वैसे भी हमको वहां स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है। आर यू श्योर? नो सर, देखो नंबर में है, रोल का टाइप नंबर है, ठीक है नंबर में है बेटा रोल नंबर, ठीक है। सो वो इसको इवैल या एंड से कास्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरह से वी कैन टेक, यहाँ पर एक ले लेते हैं नेम के लिए एन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग ही चाहिए हमें। तो यहाँ लिख देते हैं एंटर नेम, ठीक है जी, एंटर नेम हो गया। यहाँ क्या लिखूं बताइए, ये सजेस्ट कर दीजिए। यहाँ तो कांस्टेंट तो है नहीं, फिक्स्ड नहीं है वैल्यूज। हाँ जी मनप्रीत, या जो भी आंसर करना चाहता है सर। आर तो सीधा वेरिएबल को कंकैटिनेट कर दीजिए। मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, आपने बताना। We can use a simple format, sir. Sir, we can use a colon. Sir, जैसे colon one लिख दीजिए यहाँ पे। Colon तो है ही नहीं कुछ। नहीं नहीं सर। Colon क्या होता है? What is colon? Sir, पहले इस। जी जी जी, बोलते जाइए। अभिषेक बताइए। Sir, जैसे ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, insert into two values, then sir double quote close, then plus, then sir variable name r, इसको सर उसमें टाइप पास कर देंगे एसटीआर में। ऐसा कुछ करना पड़ता है क्या सर? सिंपली हम एफ स्ट्रिंग्स, या तो सर बाइंड वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, वो इजी रहेगा। बाइंड वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। ओके चलो बाइंड वेरिएबल्स कर लेते हैं। क्या लिखूं? कोलन क्या लिखूं सर? 1 2 रोल लिख लूं? यस सर। ये ध्यान से देखिए सब, ये अच्छा रहेगा हमें समझना। कोलन रोल, कोलन से नेम, ठीक है। ये मैंने दो बाइंड वेरिएबल्स यूज कर लिए हैं। पता नहीं अब चलता है कि नहीं चलता, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इन बाइंड वेरिएबल्स को वैल्यू क्या देनी है सर? इसी के साथ कॉमा डाल के एक डिक्शनरी में, डिक्शनरी में टपल्स में कॉमा डाल के। यस सर, डिक्शनरी में टपल में भी दे सकते हैं। यस सर, जब बाइंड वेरिएबल्स का नाम लेते हैं तो टपल में भी दे सकते हैं, मेरे को पता नहीं इसके बारे में। सर आई थिंक डिक्शनरी में जाते हैं, सर वो की से उसकी वैल्यू ले लेता है। जब हमें वैल्यूज यूज करनी होती है, अगर वेरिएबल वैल्यूज यूज करनी है किसी भी उसमें, हमें चाहे वेयर क्लॉज में करनी है, इंसर्ट में करनी है, तो हम क्या करते हैं, वी टेक द यूज ऑफ बाइंड वेरिएबल्स। हम डायरेक्टली जो वेरिएबल है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा करके कि डायरेक्टली वेरिएबल कैसे करते हैं, वो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट वेरिएबल लिख देते हैं नाम, तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इज यू नो अ बिट डेंजरस, बिकॉज इट इज प्रोन टू एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स। देयर इज समथिंग नोन एज एन एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि पॉसिबल है कि जो इंट्रूडर्स हैं आपके डेटाबेस को हार्म कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। ओके okay? Instead, what we do is we use something known as a bind variable. Okay? So bind variable दो तरह के होते हैं। Either we have the positional bind variables or the named bind variables. Positional or named bind variables. ठीक है जी? तो पहले हम इसको देखते हैं कि positional bind variable क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 1, यहाँ पर लिख देते हैं 2, ठीक है। और इनकी जो values हैं वो यहाँ पर provide कर देते हैं। देखिए यहां पर हम दे सकते हैं कि नहीं वैल्यूज, कैन वी गिव द वैल्यूज हियर? यस सर। सीक्वेंस में कैसे लिखें, वेरिएबल के नाम लिख दें सीधे सर?
सर टपल में अगर पास करना है तो सर सीधा वेरिएबल्स के नेम लिखने पड़ते हैं टपल में अगर देना है r कॉमा n लिख दें यस सर जो सर r की वैल्यू है वो 1 पे चली जाएगी और जो n की वैल्यू है मुझे पता नहीं है अब लेट्स रन इट ठीक है एक ब्रैकेट और बंद कर दें अब सब कुछ ठीक है एक रो और चली जानी चाहिए ठीक है देखिए जरा क्या कहता है एंटर रोल नंबर से 102 Wait. Three, four, yeah. Name is Seema. तो सब कुछ ठीक है Let's hope that we have a value at the back end. Check कर लेते हैं ठीक है जी Done? Yes, sir. So this type of strategy, listen once again. We have two ways to use bind variables. Number one is using their positions. ठीक है? Positional bind variables use किए मैंने जिनके नाम है colon 1 and colon 2. ठीक है? ये आपने bind variables SQL में भी use किए हैं. बताएंगे कहाँ पर? Yes, somebody can answer. बताइए. ये bind variables हमने कहाँ पर use किए हैं? Sir, triggers में. सर जब procedure बनाते हैं तो trigger बनाते हैं. Very good. Procedure. हम ये ट्रिगर में यूज करते हैं प्रोसीजर में नहीं यूज करते ठीक है वी यूज इट इन ट्रिगर्स जब हमें रेफरेंस करना होता है ओल्ड और न्यू वैल्यूज को देन वी यूज इट इन ट्रिगर्स गुड आंसर तमन्ना ठीक है और बाइंड वेरिएबल से कर सकते हैं इनको बोलते हैं पोजिशनल बाइंड वेरिएबल्स ठीक है ऐसे लिख देते हैं बताइए रेज योर हैंड्स हु विल आंसर दिस अब ठीक है अब चल जाएगा यस और नो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कोई चल जाएगा सर कोई प्रॉब्लम नहीं अंगद बताइए सर टाइप का एरर नहीं आएगा कि इंटीजर में स्ट्रिंग जा रहा मैं आपसे दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू ये चलेगा हाँ या ना बताइए हाँ या ना ना बोल दीजिए नो सर नहीं चलेगा ना आपको लग रहा है ठीक है ओके और समबडी एल्स हु वांट्स टू आंसर दिस अभिषेक ने बोला कि चल जाएगा ठीक है यस और कोई मनप्रीत चल जाएगा सर ठीक है इसका मतलब क्या होता है ये जो पोजिशनल बाइंड वेरिएबल से ऐसा नहीं है कि वन जो है ये जो इसकी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होती है सो यहाँ पर जो आप बाइंड वेरिएबल इस जगह पे यूज कर रहे हैं उसकी मैपिंग हमेशा यहाँ फर्स्ट के साथ रहेगी नाम जो मर्जी दे दो उसको yes, ठीक है सो इफ यू रन इट ओके इट विल लेट यू एड अनदर वैल्यू इसको रन करते हैं 103 कपिल ठीक है एंड इफ यू सी एट द बैक एंड वी विल सी दैट द डेटा हैज बीन इंसर्टेड Good enough. Have you understood the positional bind variables? And that their nomenclature does not refer anything to the sequence. The sequence remains the same. So, ये जो हमने use किया है r, n, ठीक है ये एक tuple है ठीक है ना तो इसको हम बोलते हैं sequence है ये तो अगर हमने insert करनी values या where clause में values देनी है तो हम bind variables use कर सकते हैं with tuple या फिर हम bind variable use कर सकते हैं with dictionary also. वो तब होता है अगर हम named variables लेते हैं तो मैं यहाँ पर colon 2 की जगह ले लेता हूँ से role और यहाँ ले लेता हूँ name ठीक है अब मुझे ये जो bind variables हैं ये named हैं अब इनको जब values देनी है तो मुझे एक dictionary use करनी पड़ेगी ठीक है I need to use a dictionary here देखें कैसे use करनी है पहला bind variable है role okay और उसकी value है r ओके और फिर हम डालेंगे कॉमा एंड सेकंड बाइंड वेरिएबल इज नेम मुझे बता देना कुछ गलती तो नहीं है आप लोग काफी अच्छे से देखते हैं कोड को सो ये दूसरा डिक्शनरी में की है नेम और उसकी वैल्यू है एन ओके दिस डिक्शनरी एंड देन आई डू लाइक दिस इज अ सेकंड मेथड काइंडली नोट कि अगर हमें named bind variables use करने हैं तो उनको जो values देनी है वो dictionary के through देनी है and see that first the key is written that is the name of the bind variable okay and it should be written in single quotes key is always written in single quotes here and this also is written so that means कि role जो है जो ये bind variable role है उसको value r की मिलेगी और जो name है उसको value n की मिलेगी so let's run this code again and let's write this And let's write this. Okay, I hope we have got a value there. Okay. ठीक है
सो जो हमने देखो बाइंड वेरिएबल से हमने लिखा ना जब नेम बाइंड वेरिएबल से, तो उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर वैसे भी एसक्यूएल में इंसर्ट में मैटर नहीं करता। आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस फैक्ट कि जो रोज होती हैं टेबल की, उसका जो बेसिक जो हम कॉर्ड्स रूल जिसको बोलते हैं, दैट द रोज इन अ टेबल दे आर अनऑर्डर्ड, उसका ऑर्डरिंग नहीं होती कभी। दैट इज व्हाई एन ऑर्डर बाय क्लॉज इज देयर टू मैनेज इट। ठीक है, ये आप याद रखना ये बात। सो इंसर्टिंग वैल्यू थ्रू बाइंड वेरिएबल्स named as well as positional, if it is clear give me a raised hand all of you। और आप लोगों ने सबने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपके पास लैपटॉप है, ओरेकल है, पाइथन है, सो इट शुड बी इजी फॉर यू, यू शुड प्रैक्टिस दिस थिंग, राइट। चलिए आगे चलें, अब सिलेक्ट स्टेटमेंट पे चल पड़ते हैं। ठीक है, लेट्स यूज अनदर प्रोग्राम हियर, लेट्स यूज कनेक्ट, सेव इट एज कनेक्ट 3, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको अभी कमेंट बना लेते हैं, इनकी जरूरत बाद में पड़ेगी। तो अब कर डॉट एक्सिक्यूट में यहां क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं यहां पर, सिलेक्ट से स्टार फ्रॉम स्टू, इतना लिखने से चल जाएगा, और तो नहीं कुछ करना है इसमें, देखिए जरा। ठीक है, विल दिस रन, डू वी नीड कमिट, यस अनमोल यू कैन आंसर सर, बट प्रिंट नहीं होगी वैल्यूज, क्यों सर, जब हम फ्रंट एंड में वैल्यूज लेके आएंगे देन वी हैव टू यूज अ फॉर लूप फॉर फेचिंग द रोज। अच्छा, तो ये हमारे जब हमने ये बेसिक एक फैक्ट देखा था, गुड आंसर अनमोल, कि जब हम कर्सर क्रिएट करते हैं और सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, आपने एक्चुअल में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कर्सर्स पढ़े भी हैं पीएलएसक्यूएल में, सो व्हेन यू क्रिएट अ कर्सर ऑल द रोज रिटर्न्ड बाय दिस सेलेक्ट स्टेटमेंट आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी एरिया टू विच दिस कर्सर इज पॉइंटिंग। ओके, अब उस कर्सर को हमें प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, प्रोसेस कौन सी स्टेटमेंट से करते हैं बताइए सर, फेच, फेच के अलावा नहीं कुछ, कुछ और नहीं कर सकते सर, वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एंड वी कैन यूज फेच ऑल फंक्शन, फेच ऑल फंक्शन। ओके, चलो मैं ऐसे लिख दूं, नहीं चलेगा, मुझे लगता है ऐसे लिखने से भी चल पड़ेगा, और आई कर लिख के चलूं, ये भी चल जाएगा कि नहीं, ऐसे लिख लेते हैं। So, अभी क्या है, सारी वैल्यूज जो हैं, दे आर एसोसिएटेड विद दिस कर्सर CUR, तो इसको एक लूप में एक वेरिएबल i के साथ पार्स कर लेते हैं और उसको प्रिंट कर लेते हैं, देखें कुछ चलता है कि नहीं। ऐसा क्यों हुआ बताइए, इंटरफेस नॉट ओपन, क्योंकि आपने कर्सर को यहाँ क्या लिखा हुआ उससे पहले क्लोज है ना, क्लोज हुआ ना, कर्सर क्लोज है तो पार्स कैसे करेंगे। चलिए ठीक है, सो यू सी कर्सर ने सारी रोज जो है वो रिटर्न कर दी है, है ना, और रिटर्न कैसे की है, इन शेप ऑफ अ लिस्ट, लिस्ट ही है ना कि कुछ और है, बता दीजिए, देखिए सब लिस्ट है कि कुछ और है, टपल है सर, सर टपल है, टपल है क्या, यस सर, सर वो लिस्ट ऑफ टपल, यस सर, देख लेते हैं अब आंसर आ रहे हैं तो फिर ये टप्पल है, ठीक है, जो इंडिविजुअल है, उसके बाद इसको अगर हम यहां लिख के देखते हैं क्या बोलता है, यहां भी टप्पल बोलता है कि लिस्ट बोलता है, देखें तो ये क्या प्रिंट कर दिया हमें, सॉरी सॉरी सॉरी, सो टप्पल ही बता रहा है वो, ठीक है। अब ये लिस्ट कैसे बनती है, अगर आप इसको फेच करोगे तो, ठीक है, Let's use another method. Okay, ये तो हमने सीधा direct cursor को कर लिया ना, and obviously by this also you can see here जब values display हो रही हैं तो जो parentheses में होती हैं वो tuples होती हैं, जो square brackets में होती हैं वो list होती है, ठीक है। और इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ इसका ऐसे बना लेते हैं, record is equal to कुछ ये method use कर लेते हैं, एक फेच ऑल मेथड होता है, ठीक है,
और इसी को प्रिंट कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है? पहले ये देखते क्या करता है. We'll check each and every type of thing that we are using, ठीक है? और इसको सब वो हटा देते हैं, ये रहने देते हैं, और यहाँ पर टाइप ऑफ रेस कर लेते हैं. देखिए मैंने क्या किया है, एक क्वेरी लगा के कर डॉट फेच ऑल कर लिए, ठीक है? हमने क्या किया है, ओके यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे. चलिए ठीक है. नाउ इट्स अ लिस्ट. सो बाय डिफॉल्ट जो कर्सर में जो वैल्यूज है वो टप्पल की शेप में होती है. अगर आप उनको फेच करते हो तो इट इज अ लिस्ट. लिस्ट के अंदर भी आप देखिए, इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट कह लीजिए या लिस्ट के अंदर टप्पल, द डिस्टिंक्शन इज नॉट वेरी यू नो ग्रेट, ऐसा कुछ नहीं है. बट उसको कैसे हमने यूज कैसे करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि रोज कैसे डिस्प्ले करनी है. इसी के अंदर आप बहुत कुछ और चीजें कर सकते हो. लेट्स डू देम वन बाय वन. से ऑर्डर बाय रोल ही है ना फील्ड का नाम, ऑर्डर बाय रोल कर लेते हैं, ठीक है? और इसको यहां पर एक लूप लगा लेते हैं फॉर आई इन, क्या लिया हमने, रिकॉर्ड, ठीक है? ये ऑर्डर में आ जाएगा, देखिए, ठीक है? सो हमें ऑर्डर बाय क्लॉज लगाया है, तो वैल्यूज जो है वो एक ऑर्डर में आ गई, ठीक है? 101 102 बेस्ड ऑन दिस. आप चाहें तो उसको नेम के बेसिस पे भी कर सकते हैं. यू कैन डू दिस एज ऑर्डर बाय नेम, ठीक है? लेट्स डू इट ऑन ऑर्डर बाय नेम. तो क्या करता है ये देखें, ठीक है? ए पी एस के, ठीक है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई के हैज कम एट द एंड, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ लोअर केस, राइट? लोअर केस का स्काई वैल्यू जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अपर केस. अब इसको और एक इसमें ऐड करते हैं. मैं लिख रहा हूं कुछ, इज इट ऑल राइट? वेयर नेम, नेम ही है ना, नेम इक्वल टू से कपिल. इज दिस ऑल राइट? ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी सर? चलेगा. इंदर वांट्स टू स्पीक. ध्यान से देखो इंदर, थोड़ा फोकस किया करो, आपको मैंने बहुत बार बोला है. दिस विल टेस्ट योर इस के लिए मेबी लाइक ऑपरेशन होता है. मनप्रीत क्या बोल रहे हो, आराम से बोलो बेटा. Yes. Sir, string को compare करने के लिए like operation. नहीं, ये तो हम string match कर रहे हैं, compare नहीं, हम pattern नहीं match कर रहे हैं. सीधा जहाँ name couple है चलना चाहिए. तो सर capital के लिए चलेगा. और कोई अगर बोलना चाहता है तो वही बोल लो. आज का session थोड़ा slow रखा हमने, भी कोई हमारी discussion में कमी ना रह जाए. Yes, बोलो. Come on. मेरे को लगता है ये नहीं चलेगा, हम चला के देखते हैं, ठीक है? मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि नहीं चलेगा. बिकॉज़ सर ऑर्डर बाय के बाद हैविंग क्लॉज होता है. यस सर. नहीं, वो भी नहीं है. सर कपिल मतलब स्ट्रिंग में नहीं आएगा, कोट्स में नहीं आएगा शायद. मुझे नहीं पता, आप एरर पढ़ लो, स्क्रीन पे है. अगर आप ये चीज ऐसे बोल रहे हो, दैट मींस अगेन एसक्यूएल प्रॉब्लम. आपको एसक्यूएल वर्ब की वर्किंग ही नहीं पता है सर. एनीबडी कैन आंसर? वो तो हमने कभी भी नहीं डाला. ओह सर सॉरी सॉरी. हाँ जी हाँ जी, ठीक है, दैट्स गुड दैट यू आर आंसरिंग, वेरी गुड. कोई भी आंसर कर सकता है, आप लोग सब अनम्यूटेड हैं. आप देखिए क्यों नहीं चल रहा, मुझे बताइए. अंगद बोल रहे हैं. हम जब सिलेक्ट वर्ब की बात करते हैं, मैंने जानबूझ के आपको ये लिखा है, सिलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, group by column name having condition, order by column name ascending descending semicolon, that is the syntax. तो आपको order ही नहीं पता होगा तो आप कैसे query लिखोगे बताओ. So ये चीज जो आनी है ये यहां आनी है, ठीक है? Are you clear? Search successful. 103 कपिल उसने match कर लिया, ठीक है जी? So if you have understood this thing कि हमने एक कंडीशन भी यूज कर लिया सिलेक्ट में, इफ यू हैव अंडरस्टूड तो हम आगे चलें फिर. गिव मी अ रेज्ड हैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. आप सबको समझ में आनी चाहिए. ओके प्रतीत ज्योत ने भी हैंड रेज किया है. प्रतीत बताइए जरा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ रहा सब? यस सर. ओके फाइन, चलिए ठीक है. अब इसको करते हैं जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो नेम है वो इनपुट करवाते हैं, ठीक है जी?
नेम को इनपुट करवाने लगा हूं मैं, जो कि मैं मैंने बोला था कि हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या लिखूं यहां पर, वेरिएबल आ गया n, यहां लिखने बताइए। नाउ दिस इज व्हाट अ फिक्स्ड वे ऑफ राइटिंग, जो आपको थोड़ा सा पहले, ये पुराने स्टाइल का कमांड है हम इसको ज्यादा। अंशदीप यू वांट टू से समथिंग, यू अनम्यूटेड योरसेल्फ? नो नो सर। अंगद, ओके फाइन, अंगद बोलिए बेटा। सर यहाँ पर हम एफ स्ट्रिंग्स यूज कर सकते हैं और जो वेरिएबल है उसको यहाँ पर फॉर्मेट कर देंगे और वो डायरेक्टली फिर वो कमांड चल जाएगी। चल जाएगी, ठीक है। आई एग्री देयर वुड बी मेनी वेज ऑफ राइटिंग, आई विल डिस्कस अ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग इट, जो हम स्टैंडर्ड प्रोग्रामर्स यूज करते थे पहले, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, आप चेक कीजिए, वेयर नेम इक्वल टू, ठीक है, and then we must enclose n like this and then like this and then like this, this this query is not ended here, that's it, it should work like this, theek hai, but again I say that we don't recommend this because kya ho raha hai ki ek query jo likhi hui hai uske beech mein you are trying to pick up, insert a variable here n, okay। अब यूजर जो n की वैल्यू क्या करते हैं, जिसको हम SQL इंजेक्शन बोलते हैं, वो क्या होता है कि n की वैल्यू, पता है क्या लिखेगा यूजर, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखेगा, n की वैल्यू लिखेगा अजय, ठीक है, उसके बाद डालेगा सेमीकोलन, फिर लिखेगा डिलीट फ्रॉम स्टू, ठीक है, इस तरह से वो वेरिएबल का नाम दे देगा, स्ट्रिंग या ना कुछ भी दे सकता है। तो पहले तो वो क्वेरी पूरी हो जाएगी वहां पर, वेयर नेम इक्वल टू अजय, और उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, डिलीट फ्रॉम स्टू, या वो यहां लिख देगा ड्रॉप टेबल स्टू, ओके। सो दिस इज अ एसक्यूएल इंजेक्शन की जहां नॉर्मल रिस्पॉन्स के साथ पीपल कैन सेंड अदर हार्मफुल थिंग्स ऑल्सो इन द स्ट्रिंग, सो हम इसको अवॉइड करते हैं इस करके, ठीक है। सो वी कैन यूज बाइंड वेरिएबल्स हियर, वो आपको पता ही है, इसको चला के देखते हैं चलता है कि नहीं, बिकॉज दिस कैन गिव प्रॉब्लम समटाइम्स, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। ट्विटर्स वर्क राइट, यू कैन सी दिस, दिस इज वन स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग वेन यू आर यूजिंग वेरिएबल्स, ओके, एनक्लोज द वेरिएबल्स, दोनों तरफ प्लस प्लस साइन और सिंगल डबल डबल सिंगल कोट्स, ऐसे करते हैं उसको। बट वंस अगेन आई सजेस्ट कि यूज अ बाइंड वेरिएबल इंस्टेड ऑफ दिस, ओके फाइन, दिस इज द सिलेक्ट स्टेटमेंट, ओके, एंड देन यू कैन एड एडिशनल कंडीशन। सो आई कुड हैव रिटन हियर वेयर नेम इक्वल टू कोलन वन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, वेयर नेम इक्वल टू colon 1, that's it, okay, और यहाँ पर I think how do we give the second argument here, comma डाल दो उसको, शायद टकल में दे दो comma, हाँ comma डालते कि bracket नहीं बनता, dictionary में डाल, comma डाल देते हैं फिर से टकल में, तो एक dictionary use करें फिर से टकल में, से sequence ही ले लेते हैं, ऐसे ले ले चल जाएगी, ठीक है, में चला रहा हूँ, नहीं मेरे को पता नहीं है ये, तो हम चला, ठीक, गुड, वेरी गुड। सो आपने बेसिक अपना याद रखा कि टप्पल अगर एक वैल्यू है नहीं तो वो डिक्शनरी बन जाएगी, चला के देखें अगर वो डिक्शनरी बन रही है तो की वैल्यू मांगेगा मांगेगा या क्या बोलेगा, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट एरर इट टेल्स अस, ओके। सो उसको वेरिएबल नेम नहीं मिल रहा है क्योंकि वो उसको कंसिडर नहीं कर रहा है एज अ टपल, सो वी रिक्वायर अ कॉमा हियर, राइट, ओके गुड। अब और बताइए, डिलीट चला के देख लें, कनेक्ट फोर में डिलीट चला के देख लेते हैं, नेम जो उसको डिलीट कर देते हैं। हाँ जी, या मनप्रीत बोलिए। जैसे हमने नेम अपडेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसका नेम भी इनपुट करवाएंगे, एंटर रोल नंबर कर लेते हैं, बिकॉज यूजुअली हम जो अपडेट करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन सम की, ठीक है, ये आर ले लेते हैं, ठीक है, एंटर रोल नंबर, और यहाँ ले लेते हैं n इक्वल टू कंट्रोल सी कंट्रोल वी, रोल नंबर ले लेते हैं,
नेम लेना ना, यहाँ यहाँ तो नेम ऐसे ही आ जाएगा, उसको कास्ट कर लेते हैं। रोल नंबर क्योंकि हमें इंट पे चाहिए तो उसको इंट पे कास्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं एंटर न्यू नेम, किसी ने अपना नाम चेंज करना है, ठीक है। कई लोग करते हैं नाम चेंज, ठीक है, उनको अपना नाम पसंद नहीं होता, तो अगर उनके कुछ बहुत बैंक अकाउंट्स हैं तो फिर उनको कोर्ट से कुछ लिखवा के लेना पड़ता है कि मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। सो दैट्स अ वैलिड एग्जांपल दैट वी यूज इन डेटाबेसेस, एंटर न्यू नेम, ठीक है। और यहाँ पर अपडेट यूज कर लेते हैं। देखिए अपडेट कैसे यूज करना है, अपडेट, ओह अपडेट, आई होप आपको सारे सिंटेक्स याद है अपने, मेरे को तो याद रहते नहीं है। सेट नेम इक्वल्स टू अपडेट, सेट लिखते हैं क्या, सेट नेम इक्वल टू क्या कर दूं, कोलन वन कर दूं, या फिर वो डबल सिंगल कोट्स वाला खेल करके एंड डाल सकता हूं, है ना, वो भी कर सकते हैं, कर ले वो करके देख ले एक बारी, नहीं सो कोलन वन, कोलन वन के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं वेयर रोल इक्वल्स टू रोल कोलन, यस कोलन टू लिख लें, चलो ठीक है। तो ये बंद कर देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, पहला हमारा जो नेम है उसको एन लिखना पड़ेगा, दूसरा आर, उसको आर लिखना पड़ेगा, कॉमा भी डालते हैं, कॉमा भी डाल देते हैं और एक ब्रैकेट भी बंद कर लेते हैं। देखिए हमने अब अपडेट किया जी, ठीक है। अब देखिए सिंटेक्स वही है, अपडेट दिस, सेट दिस, वेयर दिस, लेकिन जो वैल्यूज जो यूज करनी है उनको बाइंड वेरिएबल से देना है, ठीक है। और बाइंड वेरिएबल्स फर्दर अगर पोजिशनल है तो सीक्वेंस या टपल यूज कर लीजिए, और अगर हमारी डिक्शनरी यूज करनी है तो नेम्ड यूज कर लीजिए। अपडेट हो जाएगा ये अगर हम करेंगे तो, यस। अच्छा ठीक है, आ जाएगा आंसर, देखिए ध्यान से, सिलेक्ट नहीं कर रहे हम, चेक करना पड़ेगा सिलेक्ट से, चलो अभी टाइम नहीं वेस्ट करते, कॉन डॉट कमिट तो लिखना ही पड़ेगा बिकॉज अपडेट इज अ डीएमएल स्टेटमेंट, ठीक है। So let's check this, let's check this, किसी का नाम चेंज करते हैं, कपिल का ही कर देते हैं, एंटर रोल नंबर क्या कर दे 103, ठीक है, एंटर न्यू नेम सचिन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं है इसका मतलब ठीक है, यहाँ तो ये कोई मैसेज नहीं आया तो ठीक है, अपडेट हो गया, ठीक है। अपडेट इज ऑल्सो वर्किंग, सी यू जस्ट लर्न 3 or 4 कमांड्स और उसके साथ आप अपने सारे जो क्रूड ऑपरेशन है चाहे वो DDL है चाहे DML आप कितने इजीली हैंडल कर रहे हो, ठीक है। अब एक डिलीट भी चला के देख लें, इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज कनेक्ट 5, चलिए कनेक्ट 5 में डिलीट कर लेते हैं, डिलीट में तो रोल नंबर चाहिए होगा, है ना, चलिए रोल नंबर ये ले लेते हैं, ये हटा देते हैं, तो यहाँ डिलीट यूज कर लेते हैं, डिलीट क्या लिखूं सिंटेक्स, मुझे सिंटेक्स भूल जाते हैं, अच्छा फ्रॉम के बिना लिख दूं, नहीं चल जाता है, नहीं सर नहीं चलता, ठीक है। डिलीट टू वेयर क्या लिखूं, रोल इक्वल टू कोलन 1, ठीक है, ये बंद कर दूं, एक कॉमा डाल के ऐसे लिख दूं, रोल इज इक्वल टू कोलन 1 और कोलन 1 की वैल्यू है r कॉमा। अब देखिए ठीक है, ये सिंटेक्स ठीक है वैसे, फ्रॉम को आप देख लेते हैं आप जो बोल रहे हो, कौन बच्चे बताइए चल जाएगा, मेरे को लगता है चल जाएगा, फ्रॉम की क्या जरूरत है, कि चाहिए मनप्रीत, चाहिए सर, बिकॉज़ हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, सर नहीं कर रहे, नहीं 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 डिलीट फ्रॉम चाहिए आपको लगता है ना, चलो मैं इसके बिना ही चलाऊंगा, ठीक है चलो चलाते हैं, कपिल को सचिन को हटा देते हैं 103, तो मान गया हमारी बात, देखे देखो सचिन गया कि नहीं चेक करो, ठीक है। सो डिलीट का जो सिंटेक्स जब से बना है तब से ही उसमें जो फ्रॉम है, ओरेकल वर्जन 8 से पहले फ्रॉम चलता था, नाउ यू डोंट नीड, आफ्टर ओरेकल वर्जन 8 यू डोंट नीड फ्रॉम, ओके, यू कैन ओमिट इट, यू कैन राइट इट आल्सो, यू कैन ओमिट इट आल्सो, लिख भी सकते हो आप, नहीं लिखा तो भी ठीक है, ठीक है। बेसिक सिंटेक्स इज डिलीट टेबल नेम वेयर कंडीशन। सो अगर ये सारे ऑपरेशंस आपको समझ में आ गए हैं सबको, देन यू कैन गिव मी अ रेज हैंड एंड आई कैन मूव टू some other part of this topic, just give me a raised hand that you've understood this, फिर कुछ और try कर लेते हैं। Okay, thank you, thank you, thank you।
तो एक छोटी सी ब्रेक ले लें कि 10 मिनट और पढ़ लें, सीधा ही खत्म करें काम, बताइए। सीधा खत्म करते हैं आप लोग तो अनम्यूटेड हैं, आंसर है खत्म करते हैं 15 मिनट, चलिए ठीक डन ओके। मतलब ये एक एक वैल्यू डाल के बहुत बोर हो गए हैं, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज कैसे इंसर्ट करें सजेस्ट कीजिए, मल्टीपल वैल्यूज कैसे इंसर्ट करें, मैं एक ट्राई करता हूँ चीज आपके लिए, ठीक है, ध्यान देना आपने, मैं लिख रहा हूँ कोड, कनेक्ट 6 में लिख लेते हैं कोड, ठीक है, कुछ ट्राई करते हैं नया, पाइथन यूज कर रहे हैं तो काफी कुछ फ्लेक्सीबिलिटी रहती है, मुझे कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो मैं एक लिस्ट की शेप में कर लूंगा, ठीक है, मैं आपको लिस्ट सीधी पहले करवा देता हूँ, ये आर को एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यूज ले लेते हैं, से 103 तक है ना, 4 कॉमा, ये भी आपकी क्लास के बच्चा है प्रथम, चलो इसको लिख लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, देन आई पुट अ कॉमा हियर, अच्छे से दिखने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, आप सीधे उसके आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 105 से दीपक लिख देते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 106, कुछ भी लिख देते हैं, अभय लिख देते हैं, ठीक है, सिंगल कोट्स डाले नहीं, आई एम टेलिंग यू हाउ टू इंसर्ट अ लिस्ट इनटू यू नो इंसर्ट मल्टीपल वैल्यूज विद अ लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट अगर ट्रांसफर करनी हो तो क्या करना है, ठीक है, सो आप ये नोट कर लीजिए, ठीक बन गई लिस्ट, देख लीजिए कोई गलती तो नहीं की मैंने, 3 उसमें है वैल्यूज लिस्ट में, ठीक है, 3 बच्चों के रोल नंबर है, ओके, तो अब जो है अब ये देखिए कि कितनी वैल्यूज हैं, पहले आपने ये बताना है, ठीक है, वो हम उस बताते हैं बाइंड एरे साइज वेरिएबल के साथ, आई एम रिलाइंग ऑन माई मेमरी राइट नाउ, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेंगे, ठीक है, आई होप दिस शुड वर्क, बाइंड एरे साइज में देते हैं भाई कितनी वैल्यूज हैं लिस्ट में जो हमें ट्रांसफर करनी है, ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं, हमारा इनपुट साइज क्या एक वेरिएबल होता है, सेट इनपुट साइज, लेट्स होप इट वर्क, सेट इनपुट साइज, इसमें क्या है कि जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उनको मेंशन करना होता है, लिसन वेरी केयरफुली, सेट इनपुट साइज में क्या करते हैं, जो हमारे लिस्ट में डेटा टाइप्स हैं जो वैल्यूज जानी है टेबल में उनको मेंशन करते हैं, जैसे कि पहला रोल नंबर है तो इंट है, ठीक है, दूसरा अगर कैरेक्टर है तो उसका साइज मेंशन करना है, ठीक है, वो साइज कितना दिया था, 20 दिया था मेरे ख्याल से, है ना, जब टेबल क्रिएट किया था तो 20 दिया था, ये हमने दे दिया, ठीक है, रिमेंबर अगर इंटीजर है डेटा टाइप तो इंट लिखना है, अगर कैरेक्टर है डेटा टाइप तो जितना उसका साइज आपने स्पेसिफाई किया हुआ है टेबल में वो देना है, ओके, और फिर आपने यहाँ पर जो क्वेरी है क्योंकि मल्टीपल उसको पिक कर रही है तो आप इसको लिखिए एक्सिक्यूट मेनी, ठीक है, और फिर आप क्या लिखते हैं, insert into stu values, ठीक है, यहाँ bind variables ले लीजिए :1, :2, ठीक है, ये भी हो गया, और कैसे करते हैं आप इसको, या :1, :2 आ गए, अब इसको यहां से ऐसे कर देते हैं और लिस्ट का नाम पास करके देखते हैं, अब देखिए क्या बनाइए, इंसर्ट इनटू टू वैल्यूज, वैल्यू है :1, :2 और यहाँ पर हम पास कर रहे हैं आर, आर हमारी लिस्ट है और लिस्ट का हमने साइज भी दे दिया है और डेटा टाइप्स भी दे दिए, चलिए देखिए, ऑल ऑफ यू प्लीज हैव अ लुक, इधर इफ यू वांट टू स्पीक यू बोल सकते हैं, आप अनम्यूटेड हैं, आप अपने हैंड रेज किया हुआ है अंदर कि वैसे किया हुआ है, अच्छा ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं, लेट्स होप इट वर्क्स, हमने किया क्या है, वंस अगेन लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज हैं वो एक ही स्टेटमेंट से हमने इकट्ठी टेबल में ट्रांसफर करनी है, हो सकता है लिस्ट में 1000 वैल्यूज हो, वो एक ही कमांड से चली जाएंगी, ठीक है, और उसके लिए एक्सिक्यूट मेनी यूज करेंगे, उसकी वो बेसिक सिंटेक्स वही रहेगा, और जो आपने लिस्ट पास करनी है ऑब्वियसली क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, बाइंड वेरिएबल्स हैं 2 पोजिशनल, तो लिस्ट में भी 2 ही होने चाहिए, ओके, ये आपने देख लेना, लेट्स चेक इट, लेट्स होप इट रन्स, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ये कौन सी हमने गलती कर दी, ये आप जरा बताइए, अब आई टोल्ड यू कि दिस सिंटेक्स माइट बी प्रॉब्लमैटिक,
सो लेट मी अगर कोई सजेस्ट करेगा मुझे तो नहीं तो आई नीड टू चेक इट ओके सो देयर इज अ पॉज ऑफ सम टाइम ओके आई हैव कमेंटेड दिस दिस स्टेटमेंट इज गिविंग अस प्रॉब्लम ऑलराइट एंड अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन विद द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड व्हेन वी एक्सिक्यूट इट आई विल एक्सिक्यूट इट अगेन ओके so now there would be a repetition of rows you can see I'm going to execute it okay everything fine and if I just update this here you will have 9 rows here okay so the problem here I suppose is that this works prior to version 3.9 right now I'm using 3.9 so maybe in the previous version or maybe it's not required here I'll just check and come back to you on this but you've seen how we can use a list to transfer multiple values with one command in one go okay so I think that's the end of today's class we spent some very good time on this python oracle connectivity I hope it's helpful to all of you in your projects okay and I'll come up with more content on this in my next lecture theek hai so if there are no more questions okay we still have questions all right So, theek hai, then I think all good. So, let's end this class and we'll meet in our next class soon. Thank you very much.